वक्त आप मौजूद हैं नाजमाबाद ब्लॉक 3 में। अल रहमान बिरयानी सेंटर है, बिरयानी पुलाव, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव। बेसिकली बात यह कि आइडिया क्या, वालिद साहब का बिज़नेस था, हमारे वालिद साहब का जो है वो बिज़नेस था वाटर पम्प यूसुफ प्लाजा पे अल मंसूर पकवान के नाम से, तो वहाँ से चलता आ रहा है बिरयानी वगैरह पुलाव वगैरह वहीं से बेचते हुए आ रहे हैं। इस काम को बेसिकली देखा जाए तो तकरीबन 25 साल हो रहे हैं। हमारे पास स्पेशल तो वैसे चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी और चिकन पुलाव, बीफ पुलाव, चारों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल हैं। बीफ की ज़्यादा डिमांड है। चिकन असल में हमने जो है वो रेट वगैरह इस तरह से रखे हुए हैं कि चिकन ज़रा पॉकेट फ्रेंडली है, बीफ भी हमारे जिस रेट पर इधर बेच रहे हैं जेब पर भारी नहीं है। 220-250 रुपये की हमारी बीफ की प्लेट है जी। बिल्कुल, ये वैसे तो तरीक़ेकार वही है जो सबका है, सारे कैटरिंग पकवान वाले जितने भी बेच रहे हैं वही तरीक़ेकार है, लेकिन कुछ ख़ास मसाले ऐसे हैं जो हमारे सीक्रेट रेसिपी है जो हम बड़े खुफिया तरीके से उसको तैयार करते हैं। कई उसमें ऐसे मसाले हैं जो हर कोई इस्तेमाल नहीं करता इस महंगाई में, क्योंकि मसालों पे हर चीज़ पे कीमतें आपको पता है आसमान को छू रही हैं, तो ख़ास मसाले हैं, साफ़ सुथरे मसाले हैं। देखें, बाहर इस वजह से टेस्ट नहीं आ पाता कि घर में ख़वातीन अपने हिसाब से मिर्च मसाले अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं। घर का खाना, जैसे कहा जाता है कि भाई घर का खाना सेहत के लिए अच्छा है, बाहर का खाना बदपरहेजी है, वो हकीकत यही है कि इसमें मसाले वगैरह बाहर ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बनिस्बत घर के। घर की बिरयानी नॉर्मल हल्की मिर्च मसाले में होती है, बाहर की बिरयानी ज़रा मसाले वगैरह उसमें अच्छे डले हुए होते हैं। हमारी शॉप जो है वो सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक है।